हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने बोला था वीडियो में, कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जो हाउ टू कट एलीट कट ब्लाउज। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया, मैंने जल्दी एक फार्मूला दे दूंगा ताकि बहुत लोगों को ये कटने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कुछ जैसे मैंने कट किया था तो आप भी उसी तरह ही कट कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सीक्रेट मेजरमेंट है। ऐसा होता है फ्रेंड, जैसे कि प्लेन एलीट कट बोलिए, इसका कोई अलग से कोई फार्मूलाज नहीं होता है, मगर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए मैंने बनाया, बहुत ही अलग तरीके से मैंने एक सीक्रेट टेक्निक मैंने निकाला है ताकि आप लोगों को और भी इजी तरीका से मैं सिखा पाऊँ। इसलिए मैंने कुछ फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने 100% मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, अब ये फार्मूला एक बार आप नोट कर लीजिए, आप बहुत कुछ कर पाएंगे और साथ ही साथ एलीट कट तो एक मिनट में आप कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ये जो नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसे किसी अलग जगह में डिजिटल, यानी कि आप अगर कंप्यूटर से ही कर रहा है तो किसी जगह में स्क्रीनशॉट करके आप उठा लीजिए, कोई फोल्डर बना के रखिए, अदरवाइज आप कोई ड्रॉ करिए, कोई पेज वगैरह है प्रिंट आउट कर लीजिए, कुछ भी हो आप इसे अलग से जगह में आप रखिए। सबसे पहले आप देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है एलीट कट, क्रॉस कट, बेल्ट ब्लाउज, फ्रेंड एक ही चीज़ है, हर एक जगह में एक एक नाम से लोग बुलाते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इधर जो कलकत्ता में है वो एलीट कट बुलाते हैं, और ये जो है अब जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, देखिए इसमें जो येलो वाला जो हिस्सा है वो है एक बैक पार्ट। तो मैंने इसमें सिर्फ दिखाऊंगा आप लोगों को फ्रेंड फ्रंट पार्ट दिखाऊंगा, और बैक पार्ट जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया उसी तरह करिए। और ऊपर में से इस जगह में जो दिख रहा है, जो ब्लैक आउटलाइन करके है, और ये है फ्रंट, जो फ्रंट पार्ट है ये, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला जो ग्रीन जो ड्रॉ लाइन है, ये है गाइडलाइन बोलते हैं हम लोग। जैसे कि क्या होता है, कुछ ड्रॉइंग करने के बाद हम लोग कुछ ब्लॉक वगैरह यूज करते हैं, तो ब्लॉक का इधर उधर लाइन देके वो अलग से नॉलेज है, चलिए मैं बाद में बता दूंगा उससे रिलेटेड, मगर ये है गाइडलाइंस ये है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसे आप ए बी सी डी करके इसी तरह हर एक जगह में मेंशन कर दिया, जैसे कि ये बी इसे एन, ये ए सी ई एस, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो चलिए मैंने छोटा करके इसी तरह तो दिखा रहा हूँ, हम जिस तरीके से मैं बता रहा था उस वक्त आप लोगों को शायद नोट डाउन हो गया है। तो चलिए आप थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड, तो मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इस जगह को पॉइंट कोई गलती नहीं होना चाहिए जगह में, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ कौन सी जगह में क्या लिखा हुआ है। और ये वीडियो है, जितना हो सके मैं कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए कौन सी पॉइंट को ये बोलते हैं, और ऊपर में ये लिखा हुआ है, ओके। और दूसरी और एक जो फार्मूला है वो मैं दे रहा हूँ, इसे भी मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, लेफ्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले साइज आप लिखिए, साइज एक एक करके लिखिए, ठीक है फ्रेंड, आप बड़ा करके आप लिख लीजिए, बाद में मैं और भी दिखा दूंगा। पहले साइज लिखिए, और उसके बाद ऊपर में राइट में साइज के बाद लिखा है फ्रेंड एम जी, क्या है आप लोगों को बाद में बता दूंगा मैं, आप पहले लिख लीजिए इसे, इसी तरह कर लीजिए इसी तरह। चलिए ये 22 से 50 तक है, और उसके बाद है फ्रेंड जी एस, चलिए जी एस, के एफ और बी टी, एक ही साथ में दिखा रहा हूँ, एक ही साथ अब लिख लीजिए, ओके फ्रेंड, और कुछ नहीं है। और इस जगह को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ये वाला हिस्सा क्रॉस पॉइंट टास्क एंड क्रॉस विथ, ये क्या है, और उसके बाद जो डॉट पॉइंटिंग फॉर्मूला, और उसके बाद एल आर ई जी के जी आई पी क्यू सी एस जे एस एन पोजिशन हाउ टू यूज, यानी कि ये जो पोजिशन है इसमें जहाँ पर लिखा हुआ है वो कैसे हम यूज करें
मैंने एक ही वीडियो में फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूंगा ये फॉर्मूला, बहुत सारा एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो अदरवाइज आप लोग समझ नहीं पाएंगे और इसे यूज नहीं कर पाएंगे। पिंक कलर एरिया फ्रेंड एलिट पार्ट है और नो एलिट कट, यानी कि एलिट कट किस तरीके से कट करना है मैंने इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता ना हो तो आप हाउ टू कट एलिट पार्ट प्रशांत कर लिखिए, वो वीडियो आ जाएगा। अदरवाइज हमारा प्रशांत कर ब्लाउज चैनल में डबल कटोरी के अंदर जाइए, वो वीडियो है। उसके बाद फ्रेंड जी एस मे बी चेंज, एस जी मे बी चेंज, बी टी मे बी चेंज, इसी तरह है, ठीक है। और अब क्या करूँ, थोड़ा सा आप लोगों को छोटा करके एक ही साथ में दिखा दूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। चलिए ठीक है फिर, इसे आप एक ही तरफ से आप जो नोट किया है आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड जो के एफ इसमें आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है रिमेनिंग ऑफ एलिट पार्ट, ये क्या है तो चलिए अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या है किस तरीके से है, चलिए सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने पास में जो मैंने नोट्स दिया है बेसिकली ये वाला हिस्सा, इसे आप पास रखिए और जो जो मैं बोल रहा हूँ आप एक बात पहले ही मतलब बता दूँ फ्रेंड, जो मैंने अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इसे देखने से पहले आप ये वाला हिस्सा आप अपने पास रखिए, अदरवाइज आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें है एम जी, तो आप अपना फॉर्मूला देखिए एम जी क्या है फ्रेंड, इस जगह का जो हिस्सा है और ये है हमारा एलिट वाला हिस्सा। तो एम जी ये होता है क्या, ब्लाउज का जो एस विथ होता है, मैंने आप लोगों को बताया था जो जिस बार हाउ टू कट एलिट कट जो वीडियो में मैंने दिखाया था, बोला था इस जगह में एक फॉर्मूला यूज हम लोग करते हैं, फॉर्मूला यूज तो करते हैं मगर आप लोग देखेंगे हमारा जो मेजरमेंट जिस तरीके से मैंने एक लाइव मॉडल में दिखा रहा था किस तरीके से हम फिगर से हर एक मेजरमेंट को हम पा सकते हैं। तो अगर संभव ना हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डबल कटोरी में एस भी यूज होता है और जो एलिट कार्ड है उसमें यूज हो रहा है, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला दिया रहा। तो एम जी देखिए, एम जी जो येलो वाला और दूसरी जो और एक पेज मैंने दिखा उसमें 22 से लेकर 50 तक है, ये बेसिकली होता है क्या, ये बेसिकली होता है हम लोग जो डबल कटोरी यूज करते हैं उसमें आप लोग देखेंगे जो एस कर्व का हिस्सा होता है ना इस लेंथ के ऊपर से, और जो पार्टी और जो पॉटल जिस जगह में हम लोग जुड़ते हैं वो गैपिंग वाला जो हिस्सा है तो उसे हम एस विथ बोलते हैं। तो वो विथ दोनों तरफ मिला के होता है 32 साइज में 5.5 होता है, और कभी कभी हम लोग 5 भी लेते हैं और कभी कभी 6 भी लेते हैं, इसका बहुत अलग रीजन है फ्रेंड, बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो चलिए जितना है मैं उतना ही बता रहा हूँ। 32 में इसमें लिखा हुआ है 5.5, इसमें यानी कि हम अगर इतना दूर आता है दोनों डार्ट आप लोग देखेंगे डबल कटोरे जिसको पता है, थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखा दो आप लोगों को कौन सी जगह के बारे में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड अगर सिखा हो तो अगर थोड़ा सा अधूरा छोड़ दूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो का दिखाने में कोई मकसद ही नहीं रहेगा। तो चलिए ये होता है हमारा ये वाला, ये है बाटी पार्ट, ये है पोर्टल पार्ट, तो इस जगह में जो जगह होता है इसे हम बोलते हैं एस वी, तो इसमें होता है 50% और बाकी यहाँ से यहाँ तक ये होता है एक एलिट कट में, ये है चेंज होता है। तो एलिट में क्या हो रहा है फ्रेंड, अलग से कोई इस जगह में एस तो नहीं है हमारा, एकॉर्ड पार्ट है, तो इसलिए इस हिस्से का इधर पूरा रिमेनिंग ऑफ एलिट पार्ट, जिसमें आप लोगों को के एफ करके एक कैटेगरी मैंने बताया, आप लोग देखिए अपना फॉर्मूला में देखिए के एफ, वो मैंने उसमें बताया जो रिमेनिंग ऑफ एलिट पार्ट, इसके मतलब है जो हमारा इस जगह का जो मेजरमेंट आएगा उसके बाद, यानी कि हम इस जगह का मेजरमेंट लेंगे डार्ट पहले देंगे उसके बाद जो रिमेनिंग आएगा वो ही होगा के एफ मेजरमेंट, ठीक है। और एस विथ का जो मानी इस जगह में हमारा 6 है, इस जगह में हमारा 6 है और वही हाफ करके मैंने 3 इस जगह में कर दिया है, इस जगह में 3 कर दिया है। तो आप लोग अगर जो लोग एलिट कट कट करेंगे आराम से फॉर्मूला देखेंगे जो भी साइज है इस जगह में उसी तरह ही एक बिठा देंगे,
वो भी ठगा आप सीधा भी कर सकते, क्योंकि पहले से ही आप लोगों को फॉर्मूला पता चल रहा है, तो इस जगह का हिस्सा को आप सीधा भी कर सकते हो। जैसे मैंने दिखाया ना, जो प्रिंसेस कट में 4 टाइम्स वेरिएशन होता है डार्ट का, कभी इधर देते हैं, कभी मिडिल में देते हैं, कभी इधर देते हैं एक ही तरफ, इसी तरह होता है। तो फॉर्मूला किसी भी हाल में आप लोगों को वही फॉर्मूला करना है, जो एम जी जो करना है वो इस जगह में एम जी में जो जो मैंने मेजरमेंट बोला है वही देना है। अब सवाल होता है फ्रेंड ये कि फिक्स है? नहीं, ये फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है फ्रेंड, ये हर वक्त चेंज होता है। रेडीमेड में ये सिमिलरिटी रखता है, मानिए हमारा एक ब्रांड है तो हम ब्रांड में ये सिमिलरिटी रखते हैं, किसी को ये ना आए दूसरी साइज पहने का, ठीक है, इसी तरह ही ये चेंज होता है। और ऑर्डर ही में देखा जाए हर एक का बास्ट अगर बड़ा हो जाए तो ये चेंज होता है। बैक पर 32 हो मगर नॉर्मल बास्ट लग रहा है 30-40 के आसपास है, तो हमारा 32 का हाई बास्ट 36 होता है, तो इसलिए ये चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज है। हमारे वीडियो में बताया है फ्रेंड, मैंने इस तरह का वीडियो बताया है, तो फिर भी आप लोगों को लगे तो ये जरूरी है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, वो वीडियो हम नया बना के अपलोड कर देंगे। तो एम जी हो गया है। और उसके बाद और एक मेजरमेंट मैंने इस जगह में दिया है, बी टी। बी टी क्या है फ्रेंड? बी टी है फ्रेंड हमारा, जैसे हम लोग कट करते हैं प्लेन कट को कट करते हैं, एक एस लेंथ चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक एस लेंथ। इसमें है आप लोगों को एक बात बताना मैंने भूल गया हूँ आप लोगों को, बी टी है फ्रेंड, ये है कंप्लीट मेजरमेंट, इस जगह में आप लिख लीजिए ये कंप्लीट, यानी कि आफ्टर स्टिचिंग में ये कंप्लीट मेजरमेंट चाहिए। और उसके बाद एम जी, ये भी कंप्लीट, ठीक है, बट ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो जेस, ये भी कंप्लीट। तो फ्रेंड एक बात मैंने इसमें फॉर्मूला में देना भूल गया हूँ, तो आप लिख लीजिए एम जी है जो ये वाला फॉर्मूला एम जी है वो कंप्लीट मेजरमेंट, यानी कि हमारा जो एम जी इस जगह में, यानी कि इधर सिम्स और इधर सिम्स रहेगा। सिम्स का मतलब है फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं इस जगह में कट दे देते हैं, तो कट आप लोग चाहे तो थोड़ा सा इधर भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सिम्स छोड़ के अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद जो जी एस होता है यानी कि इधर से थोड़ा सा सिम्स, यानी कि जो डार्ट हम देते हैं, डार्ट देने के बाद थोड़ा सा नैरो होकर होकर इस तक आ जाता है, तो इस जगह में एक सिम्स हम छोड़ देते हैं, नीचे सिम्स छोड़ देते हैं, यानी कि कंप्लीट मेजरमेंट है। और बी टी यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एक मेजरमेंट होता है, यह स्टिचिंग हो जाएगा यानी कि सिम्स और इधर थोड़ा सा सिम्स, इसलिए वो कंप्लीट। मैंने फॉर्मूला में ये देखिए मैंने अभी लिखा है इस जगह में, तो आप इसी तरह लिख लीजिए इस जगह में, बस बाकी कुछ चेंज नहीं है। और एक बात है फ्रेंड, इसमें जो नीचे दिया हुआ है जो क्रॉस पॉइंट, जो इस जगह को बोलते हैं हम क्रॉस पॉइंट, यहाँ से जो टक्स पॉइंट बोलते हैं बहुत लोग, तो ये चेंज होता है, मगर फॉर्मूला जो मैंने दिया है आप इस हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये विड्थ भी चेंज होता है, आप लोग तो जानते हैं बहुत कुछ सीख चुके हैं आप लोग, तो क्यों चेंज होते हैं आप लोगों को पता है। तो रेडीमेड में जो मैंने दिया है वही काम आएगा, एकदम परफेक्शन है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये वाला जो डार्ट का हिस्सा ना, जो के एल इस जगह में किस तरीके से मैंने उसमें बताया ना, जो एल आर ई जी के जी आई पी, तो ये है फ्रेंड एक एक जगह का पॉइंट। तो आप लोगों को पता है जो मैंने प्लेन कार्ड एडिट कार्ड जब दिखाता था, तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, शायद पता चल जाएगा इसमें एक फॉर्मूला होता है किस तरीके से हम लोग करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला का वीडियो है, सिखाने का वीडियो नहीं, तो मैंने उस वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है। अदरवाइज आप डार्ट वेरिएशन करके लिखिए प्रशांत का, देखिए वो वीडियो है, मैंने वैरायटी टाइप डार्ट लेकर एक वीडियो बनाया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे और थोड़ी सी भी आप लोगों को हेल्प हो जाए फ्रेंड। हर वक्त मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि शेयर आप ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप एक शेयर करेंगे और वो लोग दूसरे को शेयर करेंगे, तो इसी तरह वीडियो स्प्रेड हो जाएगा, तो उन लोगों को तक पहुँच जाएगा जो ये सीखना चाहते हैं घर में बैठकर, और उन लोगों को बहुत बहुत हेल्प हो जाएगा। और जाते जाते बता दूँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। और इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।